हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश दुबे और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा वो हिस्ट्री का पार्ट बौद्ध धर्म रहेगा। इसमें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बौद्ध धर्म, अब यहाँ पूछेंगे आप लोग कि बौद्ध धर्म का क्या, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे आप पॉइंट ऐसे डाल लीजिए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। क्या फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बता दूं तो गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध थे। आप लोगों से पूछा जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है गौतम बुद्ध की, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर क्या जानेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व, जिसको हम BC लिखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका, तो गौतम बुद्ध का। और कौन सा स्थान पर इनका जन्म हुआ था, तो स्थान के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो स्थान का क्या नाम था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कौन सा, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और ऑप्शन में दिया जाए कि कहाँ हुआ था इनका, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट कि जो गौतम बुद्ध हैं, कौन जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का, और यहाँ बात करेंगे कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का पिता कौन थे। तो गौतम बुद्ध का जो पिता थे वो कौन थे फ्रेंड्स, तो गौतम बुद्ध का जो पिता थे वो कौन थे, सुद्रोधन कौन थे, गौतम बुद्ध का पिता थे। ये जो सुद्रोधन थे वो शाक्य गण के मुखिया भी थे। ये जो उनके पिता थे वो शाक्य गण के ये कौन थे, तो मुखिया थे। ये शाक्य गण के क्या थे, तो शाक्य गण के मुखिया थे। ये सुद्रोधन जो थे वो कौन थे, शाक्य गण के मुखिया भी थे। तो यहाँ तक क्वेश्चन बनने की संभावना है आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो गौतम बुद्ध हैं इनके माता कौन हैं, इनके माता जी का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का माता के जो नाम था वो क्या था, माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो माया देवी गौतम बुद्ध की माता के नाम था। बट यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि माया देवी तो इनके माता के नाम था ही था, बट यहाँ आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फैक्ट को बता दूँ कि जो माया देवी थी वो, जो आप लोगों को बता दूँ कि जो गौतम बुद्ध थे वो माया देवी ने क्या किया, जन्म देते समय, जन्म देने के 7 दिन बाद, 7वें दिन बाद क्या हुआ, माया देवी की मृत्यु हो गई। जब माया देवी की मृत्यु हो गई तो उनकी बहन थी, तो उनकी बहन थी और वही बहन क्या किया, जैसे उनके पिता, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं उनके पिता थे सुद्रोधन, तो सुद्रोधन का वो क्या लगी, साली लगी, और माया देवी की वो क्या लगी, बहन लगी। यानी कि गौतम बुद्ध के वो मान लिया जाए कि मौसी थी, तो मौसी ही गौतम बुद्ध का क्या किया, लालन पालन की थी। उनकी क्या नाम था, आप लोग से पूछा जाए कि उनका क्या नाम था, तो उनका जो नाम था आप लोगों को मैं बता दूँ, प्रजा, यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ। तो उनकी जो लालन पालन किया था उनकी माँ, जैसे मौसी आप लोगों को बता दूँ, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था फ्रेंड्स, तो प्रजापति गौतमी नाम था। माया देवी की बहन थी और गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, और माया देवी की बहन जो है क्या, प्रजापति गौतमी ने क्या किया, गौतम बुद्ध को लालन पालन पोषण किया। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को बना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवन करेंगे फ्रेंड्स, कि गौतम बुद्ध का बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ। क्या नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और आप लोगों से पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो विवाह था, गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष
16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की ही अवस्था में उनका क्या हो गया था, विवाह कर दिया गया था, यशोधरा के साथ हुआ था। और 16 वर्ष की उम्र में जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था तो किसके साथ विवाह हुआ था, तो यशोधरा, किसके साथ हुआ था, तो यशोधरा के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। जब यशोधरा से इनका विवाह हुआ तब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर यशोधरा का एक लड़का हुआ, और गौतम बुद्ध का जो लड़का हुआ तो उनका नाम क्या था पूछा जाए, तो गौतम बुद्ध का जो लड़का का नाम था वो क्या था, राहुल था। आप लोगों को कहानी जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं कहानी ही आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उनके लड़के का, गौतम बुद्ध का लड़का का नाम क्या था, तो राहुल उनके लड़के का नाम था। और बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर कि यहाँ पर बात हुई है गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध जो थे ये कौन से इनके गुरु थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध का गुरु को, किसका, गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो कौन थे, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो गुरु थे उनके गुरु का क्या नाम था, किन किन से उनका शिक्षा ग्रहण हुआ था, तो उनके गुरु दो थे, एक आप लोगों को मैं बता दूं कि अलार कलाम थे, अलार कलाम, एक उनके अलार कलाम गुरु थे, और दूसरा जो गुरु थे वो कौन थे, तो रुद्र कराम, रुद्र कराम पुत थे, रुद्र कराम पुत थे उनके दूसरा गुरु। यही दो गुरु से उनका क्या हुआ था, शिक्षा ग्रहण किए थे, कौन, तो गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण किए थे। अब बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर गौतम बुद्ध की बात हुई थी, हो रहा है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा इस पर, अभी गौतम बुद्ध पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक वीडियो को करना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में, और जो भी आप लोगों को त्रुटि हो इस वीडियो के कॉमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।